श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर एक कहानी है जो जो एलेगोरिकल है। एलेगोरिकल मतलब है कि जो जो एक स्टोरी है लेकिन वो रियलिटी से मैच करता है, और उसको किसी को समझाने के लिए वो डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट किया गया है, बट इट इज रिलेटिंग टू सम प्रैक्टिकल सिचुएशन इन आवर लाइफ। तो ये एलेगोरिकल एक स्टोरी है पुरंजन को लेके, एक राजा, पुरंजन राजा का विषय में। तो एक्चुअली जो सिचुएशन था, राजा प्राचीन परिषद बोल के एक राजा था, उनका 10 पुत्र था, प्रचेतास उन लोगों को बोला जाता था। राजा प्राचीन परिषद का 10 पुत्र प्रचेतास। तो राजा प्राचीन परिषद ये क्या कर रहा था, ये पशु बलि दे रहा था। पशु बलि देके वो सोच रहा था कि पुण्य कमाएगा और फिर वो मेटेरियल बेनिफिट, बहुत सारा मेटेरियल बेनिफिट उसको होगा, इस भावना से वो पशु बलि दे रहा, एनिमल सैक्रिफाइस कर रहा। तो हम लोग भागवतम से ये पूरा ये जो कहानी है वो देखेंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, राजा प्राचीन परिषद ये एनिमल सैक्रिफाइस पशु बलि जब दे रहा है, तब नारद मुनि पहुंच गया ऑन दैट स्पॉट। तो नारद मुनि वहां पे पहुंच के देखा कि प्राचीन परिषद ऐसा चीज कर रहा है, एक पाप कार्य कर रहा है, ये चीज एनिमल्स लोगों को, पशु लोगों को हत्या कर रहा है। उस टाइम पे प्राचीन परिषद का 10 जो लड़का था, 10 जो पुत्र था, प्रचेतस जिन लोगों को बोला जाता है, वो गया था जंगल में तपस्या करने गया था। उस टाइम प्रचेतास जो प्राचीन परिषद के लड़का था, 10 लड़का, वो लोग तब जंगल में तपस्या करने चला गया था। और ये उनका पिताजी इधर पे रह के जो पशु बलि इसमें वो कर रहा था। तो नारद मुनि आया उस सिचुएशन, उस जगह। तो हम लोग भागवतम से ही पढ़ेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ा, ये चीज, ये जो पूरा भागवतम का जो ये कुछ चैप्टर्स है श्रीमद् भागवतम का, ये हम लोग का जीवन से बहुत रिलेट करता है। सो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग कंटिन्यूअसली हम लोग ये पढ़ते हुए और देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है पुरंजन का। टेक्स्ट 1 में देखिए मैत्रेय बोल रहा है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, हरे कृष्णा। माय डियर विदुरा, इन दिस वे लॉर्ड शिवा इंस्ट्रक्टेड द सन्स ऑफ किंग बरिषद, मतलब प्राचीन बरिषद, द सन्स ऑफ द किंग आल्सो वर्शिप लॉर्ड शिवा विद ग्रेट डिवोशन एंड रिस्पेक्ट। फाइनली लॉर्ड शिवा बिकेम इनविजिबल टू द प्रिंसेस। एक्चुअली क्या था, ये प्राचीन बरिषद जो था राजा, वो शिव जी का पूजा करता था और पशु बलि दे रहा था, सोच रहा था कि शिव जी से कुछ मेटेरियल बेनिडिक्शन लाभ होगा, कुछ धन का प्राप्ति होगा, कुछ बहुत सारा मेटेरियल एडवांटेज का प्राप्ति होगा, ऐसा सोच रहा था। और उनका जो 10 लड़का था प्रचेतास, वो भी शिव जी का पूजा करता था, लेकिन वो लोग अभी जंगल में गया था शिव जी का पूजा करने, तपस्या करने। और इधर पे उनका पिताजी प्राचीन परिषद एनिमल सैक्रिफाइस कर रहा है, पशु बलि दे रहा है। All the Pracheta princes simply stood in the water for 10,000 years and recited the prayers given to them by Lord Shiva. तो प्रचेतास लोग उधर पे जंगल में जाके पानी में खड़ा होके 10,000 साल तपस्या कर रहा है। ये सत्ययुग का कहानी है एक्चुअली। वहां पे 1,00,000 साल लोग जीता था। कलयुग में 100 साल कोई जी गया तो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन सत्ययुग में लोग 1,00,000 साल उनका आयु होता था। तो अभी क्या हुआ, ऑल द
princes were undergoing severe austerities in their in the water, their father was performing different types of fruitive activities. At this time, the great saint Narad, the master of all spiritual life, Narad Muni, जो आध्यात्मिक गुरु है उनमें सर्वश्रेष्ठ है नारद मुनि. कितना 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 महान भक्तों को नारद मुनि बनाया है. सोचिए, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ व्यासदेव ऑल्सो. तो नारद मुनि देखा कि ये जो प्राचीन परिषद है, प्रजेदास के पिताजी, ये गलत काम कर रहे हैं. पशु बलि देके ये पाप कर रहा है. जो एनिमल्स है उनको भी जीने का हक है. इन पशु बलि देके वैदिक रेगुलेशन के अनुसार नहीं, ये गलत तरीके से पशु बलि देके ये इन लोगों को मार रहा है, पशु लोग, तो ये गलत काम कर रहा है. तो नारद मुनि, ये प्राचीन वरिष्ठ राजा के ऊपर उनका दया आया. क्योंकि गलत काम करने पर मेटेरियल एनर्जी जो माया देवी है वो फिर क्या करती है, माया देवी उसको पनिशमेंट देती है. तो नारद मुनि became compassionate on King Prachina Varishad. So Narad Muni bole, my dear king, what do you desire to achieve by performing these fruitive activities? The chief aim of life is to get rid of all miseries and enjoy happiness. But these two things cannot be realized by fruitive activity. The fruitive activity ka matlab kya hai? Fruitive activity ka matlab hai ki those activities which are done to गेट मेटेरियल एंजॉयमेंट, मेटेरियल एंजॉयमेंट का इच्छा से जो एक्टिविटी किया जाता है उसको बोला जाता है फ्रुइटिव एक्टिविटी. और लोग सोचता है कि वो मेटेरियल एक्टिविटी करके हम लोग एंजॉय करेंगे. बट एक्चुअल थिंग इज नॉट, एक्चुअल हैप्पीनेस इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय डूइंग थिंग्स व्हिच आर मीट फॉर आवर सेंस ग्रेटिफिकेशन. इंद्रिय का तर्पण के लिए जो हम लोग काम करते हैं उसके माध्यम से हम लोग रियल हैप्पीनेस को नहीं पा सकते. तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे ये चीज बोल रहा है. द किंग रिप्लाइड, ओ ग्रेट सोल नारद, माय इंटेलिजेंस इज एंटैंगल्ड इन फ्रुइटिव एक्टिविटीज, देयरफॉर आई डू नॉट नो द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. तो राजा बोल रहा है कि मेरा बुद्धि एकदम उसी मेटेरियल एक्टिविटीज में पूरा फंस चुका है. तो हम रियल गोल ऑफ लाइफ, जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसको हम एक्चुअली समझ नहीं पा रहे. काइंडली इंस्ट्रक्ट मी इन प्योर नॉलेज so that I can get out of the entanglement of fruitive activities. और fruitive activities का ये nature होता है कि जितना हम लोग material activities करते रहते हैं ना, उतना क्या होता है, उसमें फंसते चले जाते हैं. ये nature होता है fruitive activity का. तो राजा बोला कि नारद मुनि, आप, मैं जो फंस गया हूँ इससे आप मेरे को knowledge से निकालिए, मेरे को knowledge देके इस कठिन अवस्था से निकालिए. Those who are interested only in so-called dutiful life, namely remaining a householder entangled by sons and a wife and searching after wealth, think that such things are life's ultimate goal. Such people simply wander in different types of bodies throughout this material existence without finding out the ultimate goal of life. So bahut sara log ab dekhiye is duniya mein, wo log material activities mein just, you know, just normal jo bhi cheez pursue kar raha hai, ahar nidra bhay mathun, wohi karke sara jeevan bita de raha hai. ठीक है, इट इज नीडेड, आहार लगेगा हम लोग को, पैसा लगेगा हम लोग, पीपल नीड होम, पीपल नीड मनी, नो डाउट, ओके. बट वही चीज करके सिर्फ पूरा जिंदगी, मतलब सिर्फ पैसा के पीछे भाग के ही पूरा जिंदगी और सो कॉल्ड ड्यूटीफुल लाइफ लीड करके पूरा जिंदगी बिता देता है. और जब बूढ़ा हो जाता है, जब तक सोचता है अरे पूरा लाइफ बीत गया, अरे हम क्या किया, मेरा लाइफ वेस्ट हो गया, ऐसे उतना कुछ ट्राई किए हैप्पीनेस पाने के लिए, कितना कुछ प्रयास किए, कितना जन को मेंटेन किए, फैमिली पाले, ये सब कुछ किए, लेकिन वो अभी मैं बूढ़ा हो गया, वो अभी मेरा जिंदगी लग नहीं रहा है कि मैं कुछ किया जिंदगी में, कुछ नहीं मिला जिंदगी में, ऐसा सोचता है. और समय ऐसे बीत जाता है ना कि समझ ही नहीं पाता है कोई. द ग्रेट सेंट नारद, क्या बोला नारद ने, ओ रूलर ऑफ द सिटीजंस, माय डियर किंग, प्लीज सी इन द स्काई दोज एनिमल्स व्हिच यू हैव सैक्रिफाइस्ड without compassion and without mercy in the sacrificial arena. कोई भी अगर पशु हत्या करता है तो वही पशु जब उसका मृत्यु होता है तो वही पशु उनको नरक में जाके वही आत्मा को वो क्या करता है, नोच डालता है. और नरक में मृत्यु नहीं होता है, और कष्ट देता है. जिन लोगों को कष्ट दिया है
वही फिर से कष्ट देगा उसी को. दिस इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड. Tit for tat, that is the nature of the spiritual world. Jaisa karne waisa bharne. The way we work, in that way we will get the results. This is the law of karma. So aise Narad Muni unko ye vision dikhaya ki dekhiye tum jo sadharan animals ko maarte rahe ho to agle janam mein tum par jab mrityu ho jayega uske baad tumhara ye badla lene ke liye ye log taiyar hai. To is tarike se ये सिचुएशन आया. अभी अभी ये पुरंजन का चीज में घुसेगा. पुरंजन प्राचीन वरिष्ठ से पुरंजन का कहानी में अभी एंट्री होगा. तो नारद मुनि ये विषन दिखा दिया. हाँ, किनको दिखाया? ना किन प्राचीन वरिष्ठ को ये विषन दिखाया कि तुम ये जो पाप काम कर रहे हो इसके लिए तुमको भुगतना पड़ेगा. तो अभी नारद मुनि बोला, राजा प्रचीन वरिष्ठ को नारद मुनि बोला कि हम तुमको एक कहानी सुनाते हैं. क्या कहानी सुनाएंगे? तो पुरंजन का कहानी, एक राजा पुरंजन, उसका कहानी सुनाएंगे. सो माय डियर किंग, वंस इन द पास्ट लिव्ड अ किंग नेम्ड पुरंजन हु वाज सेलिब्रेटेड फॉर हिज ग्रेट एक्टिविटीज. ही हैज अ फ्रेंड कॉल्ड अभिज्ञाता, द अननोन वन. नो वन कुड अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ अभिज्ञाता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. तो नारद मुनि पुरंजन का कहानी शुरू किया. तो नारद मुनि बोला कि देखिए, बहुत साल पहले एक राजा रहता था, उसका नाम है पुरंजन, और उसका एक तो दोस्त था, उसका नाम है अभिज्ञात. अभिज्ञात मतलब जिसको कोई जानता नहीं. एक्चुअली पुरंजन कौन है? एक्चुअली पुरंजन रिप्रेजेंट्स द आत्मा. हम लोग ये आत्मा को रिप्रेजेंट करता है पुरंजन. और उसका जो दोस्त है अभिज्ञाता, जिसको कोई नहीं जानता है, वो कौन है? वो है परमात्मा, भगवान. भगवान कृष्ण परमात्मा का रूप में सबका हृदय में अवस्थित है और सबको गाइड कर रहा है. लेकिन उसको आत्मा समझ नहीं पा रहा है कि भगवान ही हमारा रियल फ्रेंड है. ये चीज समझ नहीं पा रहा है आत्मा. तो पुरंजन का ये, पुरंजन जो आत्मा को रिप्रेजेंट करते है, उसका दोस्त है अभिज्ञाता. अभी नेक्स्ट टेक्स्ट में किंग पुरंजन बिगन टू सर्च फॉर अ सुटेबल प्लेस एंड दास ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इवन आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ ट्रैवलिंग ही कुड नॉट फाइंड ए प्लेस जस्ट टू हिज लाइकिंग. फाइनली ही बिकेम मोरोस एंड डिसअपॉइंटेड. तो पुरंजन का क्या होता है? पुरंजन ट्रैवलिंग करने में बहुत उसको अच्छा लगता है. ट्रैवलिंग करने में वो सोचता है कि यहाँ चल जाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, वहां चल जाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, इधर चल जाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा, ऐसा सोचता रहता है वो. लेकिन जहां पर भी वो जा रहा है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है. इसी तरीके से आत्मा भी मेटेरियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? भटकता रह रहा है. कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में. हाँ, अपना डिजायर के अनुसार वो भटक रहा है. आत्मा सोच रहा है कि हम ये कर लेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, हम वो कर लेंगे तो हैप्पी हो जाएंगे, इस तरीके से वो सोच रहा है. लेकिन अल्टीमेटली कोई भी योनि में जा रहा है, कोई भी बॉडी में वो जा रहा है, फिर भी वो हैप्पी नहीं हो पा रहा है. किंग पुरंजन हैड अनलिमिटेड डिजायर्स फॉर सेंस एंजॉयमेंट. कॉन्सिक्वेंटली ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू फाइंड ए प्लेस वेयर ऑल हिज डिजायर्स कुड बी फुलफिल्ड. Unfortunately, he found a feeling of insufficiency everywhere. जहां पर भी जा रहा है वहां पर भी वो frustration feel कर रहा है. Actual happiness उसको feel नहीं हो रहा. इस तरीके से वो morose हो गया और frustrated हो गया. Once while wandering in this way, he saw on the southern side of the Himalayas. Himalayas के southern side में वो देखा, भारतवर्ष इंडिया हिमालय के साउथर्न साइड पे, वहां पे आया. भटकते वहां पे आया भारतवर्ष. और भारतवर्ष में वो एक शहर में आया, ए सिटी दैट हैड 9 गेट्स ऑल अबाउट एंड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑस्पिशियस फैसिलिटीज. ये भारतवर्ष में जब वो आया तो एक शहर में आया जहां पर 9 गेट था. उस शहर में 9 गेट्स वेर देयर, नॉट ऑफ गेट्स.
तो ये शहर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। दिस सिटी रिप्रेजेंट्स द बॉडी, आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया है, भटकते भटकते कहां पे आया है, मटेरियल वर्ल्ड में आया है, और मटेरियल वर्ल्ड में जब वो आया है तो उसको बॉडी मिलता है, और बॉडी में 9 holes आर देयर, 9 gates आर देयर। व्हाट आर द 9 gates? आंख दो ठो है, दो ठो गेट हो गया, नाक में दो ठो गेट हो गया, दो ठो चार ठो हो गया, मुंह का एक ठो गेट है, 5 ठो हो गया, कान का दो ठो गेट है, 5 plus 2, 5 plus 2, 7, 7 gates, यही पर 7 gates हो गया, दो आंख में, दो नाक में, एक मुंह में, एक कान, दो कान में, 7 gates हो गया टोटल, 7 gates हो गया, और दो ठो गेट कहां है, द एनस एंड रेक्टम, दीज आर द टू अदर गेट्स, 7 plus 2, 9 gates, एनस, एनस देयर मलमूत्र त्याग एंड रेक्टम, द प्रोजेनिटिव द ऑर्गेन फॉर प्रोक्रिएशन। सो ये हो गया टोटल 9 gates, तो शहर में 9 gates, दिस सिटी रिप्रेजेंट्स द बॉडी विच हैज 9 holes। सो वंस, अभी क्या हुआ देखते हैं, वंस व्हाइल वंडरिंग इन दिस वे ही सॉ ऑन द साउथर्न, अच्छा ये तो देखिए, द सिटी वाज सराउंडेड बाय वॉल्स एंड पार्क्स एंड इट वाज इन एंड विद इन इट देयर वर टावर्स कैनल्स विंडोज एंड आउटलेट्स, बहुत ही सुंदर ये सिटी था। द फ्लोर्स ऑफ द हाउसेस वर मेड अप ऑफ सैफायर क्रिस्टल्स डायमंड्स, बहुत ही कीमती जो जो चीजें है उससे वो बना हुआ था। तो ये सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो ये सिटी जो है, ये जो बॉडी है, ये इसका ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही प्रीशियस है। ह्यूमन बॉडी, स्पेशली ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी प्रीशियस। इफ यू सी द डिजाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इट इज वेरी वंडरफुल डिजाइन, इजंट इट? सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी ऑर्गन्स आर देयर रनिंग इन अ परफेक्ट वे, and it is so much, you know, it's like, you know, a very high technological thing it is. So ye hai human body ka description, ye compare kiya ja raha hai, it has many many, you know, wonderful, you know, shapes and everything, you know, various, you know, very very, you know, high tech it is, actually very great engineering it is. In that city there were many assembled houses, street crossing streets, restaurants, gambling houses, markets, everything, beautiful parks, all these surrounded the city. On the outskirts of the city, many beautiful trees and creepers and lakes were there. It's describing the city. This city represents the human body. So this human body is also very, very wonderful. Iska bahut sara description yahan pe diya hua hai, usme main pura pura nahi ja raha. Overall, bahut hi sundar se describe kiya gaya. To Puranjan kya hua? Puranjan उसमें घुसा, उस सिटी में घुसा, बॉडी रूपी सिटी में वो घुस गया। तो बॉडी, आत्मा आता है और बॉडी में एंटर करता है, आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आ रहा है और मटेरियल वर्ल्ड में जब ही आ गया उसको क्या मिलेगा, एक शरीर मिलता है, शरीर में घुस गया है। और घुसने के बाद क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रहा है, होने वाला है, अभी देखते हैं। तो उरंजन उस सिटी में घुस गया, 9 gates आर देयर, बॉडी हैज 9 holes, राइट? तो वहां पे जब घुस गया है पुरंजन, किंग पुरंजन सडनली केम इन कॉन्टेक्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन हु वाज वॉकिंग देयर विदाउट एनी एंगेजमेंट। शी हैड 10 servants विद हर एंड ईच सर्वेंट हैड हंड्रेड्स ऑफ वाइव्स एक्कॉम्पेनिंग हिम। तो एक वेरी ब्यूटीफुल वुमन से वो मीट किया, वो शहर में जब घुसा तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री से का मुलाकात हुआ, और उनका वो स्त्री कैसा था, कैसी थी, उनका कोई एंगेजमेंट नहीं था, अनएंगेज्ड वुमन, अनएंगेज्ड वुमन इज वेरी डेंजरस, इजंट इट? तो वो ये वुमन, ये जो वुमन है किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस वुमन रिप्रेजेंट्स द इंटेलिजेंस ऑफ द कंडीशन लिविंग एंटिटी। इंटेलिजेंस, जिसका इंटेलिजेंस एंगेज नहीं है, बोलता है ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, लाइक दैट।
So this very beautiful woman had 10 servants. वो लड़का था, 10 तो लड़का servant था, और हर एक लड़का servant का hundreds of wives था. सोचिए, ऐसे ये intelligence को, this woman represents polluted intelligence of the conditioned living entity. अभी देखिए क्या हो रहा है. The woman was protected on all sides by a five-headed snake. पांच तो माथा वाला, पांच तो मुख वाला, ये क्या हुआ, पांच तो मुख वाला सांप के द्वारा ये प्रोटेक्टेड थी. वो सांप इस वुमेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, को कर रहा था, फ्रॉम ऑल साइड, सभी दिख से ये फाइव हुडेड स्नेक, पांच मुख वाला ये सांप उसको क्या कर रहा था, कि प्रोटेक्ट कर रहा था उस वुमेन को. नाउ व्हाट दिस फाइव हुडेड स्नेक रिप्रेजेंट्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो. तो ये वुमेन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, द पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस विच इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स कृष्णा. नाउ व्हाट दिस फाइव हुडेड स्नेक रिप्रेजेंट्स, दिस फाइव हुडेड स्नेक रिप्रेजेंट्स द फाइव प्राण वायुस. प्राण वायु होता है, पांच प्रकार के प्राण वायु होता है, जो हम लोग को शरीर को चलाए रखने के लिए वो बहुत ही एसेंशियल है. ये पांच प्रकार के जो प्राण वायु जब निकल जाता है, तब शरीर का क्या होता है, वो मृत्यु हो जाता है शरीर का. तो ये जो ये पूरा शहर को और इस वुमेन को प्रोटेक्ट कर रहा था, कौन, ये फाइव हेडेड स्नेक. तो पूरा बॉडी को कौन बचाए रखा है, पूरा बॉडी को बचाए रखा है ये प्राण वायु. पांच प्रकार के प्राण वायु होते हैं. प्राण वायु खत्म मतलब बॉडी खत्म, मृत्यु. तो स्नेक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, कौन, प्राण वायु प्रोटेक्ट किया हुआ है बॉडी को, चलाए रख रहा है, नहीं तो वो मर जाएगा. नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुमेन इज देयर. द वुमेन्स नोज, टीथ एंड फोरहेड वर ऑल वेरी ब्यूटीफुल, हर इयर्स वर इक्वली वेरी ब्यूटीफुल, बीडेक्ड विद डैज़लिंग इयररिंग्स. तो ये वुमेन का डिस्क्रिप्शन दिया गया, इंटेलिजेंस का, पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस का. या द वेस्ट एंड हिप्स ऑफ द वुमेन वर वेरी ब्यूटीफुल, शी वाज ड्रेस्ड इन ए येलो साड़ी विद ए गोल्डन बेल्ट, व्हाइल शी वॉक्ड हर एंकल बेल्स रैंग लाइक दैट, द डिस्क्रिप्शंस आर देयर. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वुमेन. तो पुरंजन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, पुरंजन द हीरो. हीरो क्यों लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सोचिए, हीरो काहे लिख दिया, मेटेरियल वर्ल्ड से हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटेरियल वर्ल्ड आए हैं, हीरो बनने के लिए ही आए हैं हम लोग जीरो बनने के लिए नहीं आए हैं. हम लोग क्यों स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटेरियल वर्ल्ड आए हैं, क्योंकि हम लोग को रियल हीरो पसंद नहीं था. रियल हीरो है भगवान श्री कृष्ण. भगवान श्री कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ नाच रहा है. हम लोग भी सोचे कि क्यों ये, हम लोग भी थोड़ा हीरो बनते हैं, भगवान बनते हैं हम लोग. तो ये भगवान बनने का, कृष्ण बनने का इच्छा जो है, इसी के कारण हम लोग कृष्ण को भूल के मेटेरियल वर्ल्ड आए हैं. हम लोग भगवान को बोले हैं कि भगवान आप इतना हीरो बन रहे इधर पे, हम भी थोड़ा हीरो बनना चाहते हैं. तो भगवान बोला तुम भी हीरो, इधर पे दो तो हीरो नहीं हो सकता, इधर हीरो एक ही है, हम खुद ही है हीरो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और कोई हीरो नहीं हो सकता. ठीक है, तुम जो हीरो बनने का कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये सही डिजायर नहीं है, बेटर है कि तुम इस डिजायर को त्याग दो और यहीं पे रह जाओ, आनंद से रहना है तुमको इधर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. लेकिन हम लोग बहुत एडमेंट थे, नहीं हमको हीरो बनना ही, एक तो चांस दीजिए, क्या हुआ आपका, क्या प्रॉब्लम है, एक तो चांस देने में क्या दिक्कत है, हम हीरो बनना चाहते हैं, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है, आप अकेला क्यों हीरो बनना चाहते. भगवान बोला ठीक है भाई, तुम थोड़ा चांस लेना चाहते हो, ठीक है, तुम मेटेरियल वर्ल्ड में जाओ, मेरे को भूल के तुम हीरो बनना चाहता है, तो ठीक है मेटेरियल वर्ल्ड में जाओ और हीरो बनने का कोशिश करो. तो हम लोग का एडमेंट नेचर के कारण हम लोग ये मेटेरियल वर्ल्ड में आ गए और हीरो बनना, भगवान कृष्ण बनने का चाहत, यही हम लोग, यही कारण है हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में. तो पुरंजन द हीरो बिकेम अट्रैक्टेड बाय द आईब्रोज एंड स्माइलिंग फेस ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड वॉज इमीडिएटली पियर्स्ड बाय द एरोज ऑफ हर लस्टी डिजायर्स. When she smiled shyly, she looked very beautiful to Puranjan, who, although a hero, could not refrain from addressing her. तो वो रोक नहीं पाया. Eyebrow से ऐसा smile दिया वो woman,
हाँ कि वो रोक नहीं पाया उसका लास्ट डिजायर सेक्स डिजायर आ गया उसको, तो पुरंजन का ये स्थिति हुआ। तो पुरंजन इसका पार्पट हम लोग देख लेंगे थोड़ा, प्रभुपाद इज गिविंग ए वेरी ब्यूटीफुल पार्पट ऑफ दिस श्लोक। शुद्ध ट्रांसलेशन हम लोग देख रहे थे, इसका थोड़ा पार्पट में हम लोग जाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स, तम तम आह ललितम विराह सवृद स्मित शोभना। नीचे क्यों नहीं उतर रहे? एक सेकेंड, थोड़ा हैंग हो गया है, नीचे भेदावे से खोल गया। अच्छा ओके आया। एनीवेज आई एम ओपनिंग फ्रॉम वेदाबेस बिकॉज ये इंटरनेट में वो हैंग हो जाता है बीच बीच में, वेदाबेस में वो चीज नहीं होगा। एबल टू सी द वेदाबेस पोर्टल? Yes, Prabhu, the text. Yes, Prabhu. हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ वर्स। आया तो प्रभुपाद देखिए ये पार्पट में क्या लिख रहा है। एवरी लिविंग एंटिटी इज अ हीरो इन टू वेज, व्हेन ही इज अ विक्टिम ऑफ द इल्यूशनरी एनर्जी ही वर्क्स एज अ ग्रेट हीरो इन द मटेरियल वर्ल्ड एज अ ग्रेट लीडर पॉलिटिशियन बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा एंड हिज हीरोइक एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो कितना हीरो है, मटेरियल हीरो का कोई अभाव नहीं है इस मटेरियल वर्ल्ड में, देयर इज नो scarcity of material heroes। कोई भी लाइन में हीरो आपको हजारों हजारों मिल जाएगा। वन कैन ऑल्सो बिकम ए हीरो बाई बींग, दो टाइप का हीरो है, एक है मेटेरियल हीरो और एक है स्पिरिचुअल हीरो। ये स्पिरिचुअल हीरो के बारे में बता रहा है प्रभुपाद, देखिए ये बहुत एसेंशियल है समझना। वन कैन ऑल्सो बिकम ए हीरो बाई बींग मास्टर ऑफ द सेंसेस ए गोस्वामी। मेटेरियल एक्टिविटीज आर फॉल्स हीरोइक एक्टिविटीज, वेयर एज Restraining the senses from material engagement is great heroism। कोई ये heroism करके दिखा दे, इतना आसान नहीं है। लोग बोलता है कि अरे हरे कृष्ण वाले सिर्फ कोई काम नहीं करता है, सिर्फ हरे कृष्ण करता है और कुछ काम नहीं करता है, ऐसा बोलता है। तो ठीक है तुम हरे कृष्ण भी करके दिखाओ और material senses को control करके दिखाओ, तो बहुत कठिन काम है ये, इतना आसान काम नहीं है वे। तो गोस्वामी जो पूरा पूरी अपना सेंसेस कंट्रोल कर चुका है वो बहुत बड़ा हीरो है, इतना आसान नहीं है। एकमात्र भगवान का भक्ति करने से ही ये कोई गोस्वामी बन सकता है जो पूरा पूरी अपना जो सेंसेस को कंट्रोल कर चुका है। तो शिला प्रभुपाद इज द रियल गोस्वामी हीरो। सोचिए मेटेरियल वर्ल्ड मेटेरियलिस्टिक हीरो का कोई स्कार्सिटी नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल हीरो का वो स्कार्सिटी है इस दुनिया में। However, a great hero one may be in the material world, he can be immediately conquered by the lumps of flesh and blood known as the breasts of women. In the history of material activities, there were many examples, like the Roman hero Antony, who became captivated by the beauty of Cleopatra. Similarly, a great hero in India named Baji Rao became a victim of a woman during the time he was involved in Maharashtrian politics and he was defeated. कितना भी बड़ा बड़ा राजा सोचिए दुनिया को कैप्चर करके आता था, दुनिया का कैप्चर करके आके जब रानियों के साथ सेक्स करने घुस गया, हाँ मतलब घर के अंदर, तो अपना मुकुट रख देता था और पूरा हाँ जो वुमेन का ब्यूटी है उसको देख के पूरा उसके सामने गिर गिरा जाता था। दुनिया को हरा रहा है लेकिन एक
एक वुमेन के सामने देखिए कैसे पूरा अपना मुकुट रख दे रहा है, बेगिंग फॉर यू नो सेक्स लाइक दैट. फ्रॉम द हिस्ट्री वी अंडरस्टैंड दैट फॉर्मरली पॉलिटिशियंस यूज्ड टू एम्प्लॉय, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, पहले में क्या होता था, पॉलिटिशियंस यूज्ड टू एम्प्लॉय ब्यूटिफुल गर्ल्स हू वर ट्रेंड एज विषकन्या. These girls had poison injected into their bodies from the beginning of their lives, so that in due course of time they become so immune to the poison and so poisonous themselves that simply by kissing a person they would kill him. The Vishkanya ka concept kya tha ki kisi ko marna hai to raja log kya karta tha ki Vishkanya paal ke rakhta tha. Ab Vishkanya ka kaam kya hai, chote chote se jab tha un logo ko thoda thoda karke vish diya jata tha, thoda thoda karke jab vish diya gaya तो फिर वो इतना विष हो जाता था उनका शरीर में, जब बड़ा हो गया और देखने में अट्रैक्टिव हो गई जब, तो वो क्या करते हैं, जो एनिमी है उसके उसके पास भेज देता था, और एनिमी देख के उसको क्या हो गया, अट्रैक्टेड हो गया, और कैसे भी करके सेक्स प्रपोजल दे दिया, और फिर जाके जब किस करते थे बस उसके एक किस से एकदम खत्म मर जाते थे, ऐसा पावर था विषकन्या का. तो इन द नेक्स्ट in the next purport, so this purport we have seen little bit, and then we'll again go to the text. We have seen this purport, now again we are coming back to the text. 25 pe hum log the. Now we'll go to 26. So 26 में देखिए क्या बोल रहा है. So इस अभी क्या हुआ कि attracted हो गया पुरंजन, पूरा attracted हो गया इसके प्रति, वो लड़की के प्रति पूरा attracted हो गया. तो उसको अभी क्या कर, उसको अभी मतलब मनाने लग गया पुरंजन. तो क्या बोल रहा है, माय डियर लोटस आइड काइंडली एक्सप्लेन टू मी वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, हु आर यू, हुज डॉटर आर यू, हु अपीयर वेरी चेस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग हियर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, प्लीज एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. चालू हो गया उससे बात करना, चालू हो गया. तो बात करते करते अभी देखते क्या होगा धीरे धीरे. My dear lotus eyed, who are those 11 strong bodyguards with you? And who are those 10 specific servants? 10 to servant tha aur 11 to bodyguard tha. Sochiye, aisa uska matlab us woman ko protect kar raha tha. To main isse share karu, jaldi hoga. Text 27. Text 28. My dear beautiful girl, you are exactly like goddess of fortune or the wife of Lord Shiva or the goddess of learning, the wife of Lord Brahma. Saraswati Devi, kinka wife hai? Brahma ji ka wife. Although you must be one of them, I see that you are loitering in this forest. Indeed, you are as silent as the great sages. Is it that you are searching after your own husband? Whoever your husband may be, simply by understanding that you are so faithful to him, he will come to possess all opulences. I think you must be the goddess of fortune, but I do not see the lotus flower in your hand. Therefore, I am asking you, where have you thrown that lotus? मतलब उसको impress करने का पूरा कोशिश कर रहा है. अच्छा अच्छा बात बोल के उसको बोल रहा है लक्ष्मी देवी है आप. तो इसका description दिया गया है. अभी देखिए क्या बोल रहा है. माय डियर गर्ल, योर फेस इज सो ब्यूटीफुल एंड योर आई नाइस आईब्रोज एंड आईज एंड विद योर ब्लूइश हेयर स्कैटर्ड अबाउट, इन एडिशन वेरी स्वीट साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ, नॉनदलेस यू आर सो कवर्ड विद शाइनेस दैट यू डू नॉट सी मी फेस टू फेस. देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू माय डियर गर्ल टू स्माइल एंड काइंडली रेज योर हेड टू सी मी. सोचिए इस तरीके से उनको पूरा कैप्टिवेटेड हो गया पुरंजन. मतलब लड़की को पाने के लिए पूरा एकदम पूरा कोशिश लगा दिया एकदम 100%. तो इस तरीके से वो भी रिप्लाई दे रहा है, ओ बेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आई डू नॉट नो
who has begotten me? I cannot speak to you perfectly about this, nor do I know the names or the origin of the associates with me. So girl is replying, the material world, jo hai, material jo sharir hai, iska koi beginning, specifically jo polluted intelligence hai. The girl is telling what? The woman is telling what? Jo mera koi beginning ke baare mein pata nahi. So polluted intelligence jo hai, wo kyun aaya? ये पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस आया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान बनने का इच्छा जब जगा हम लोग का अंदर, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं था स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो डिजायर आने के लिए. देयर वाज, इट वाज कॉजलेस, इट वाज नॉट, देयर वाज नो लॉजिक बिहाइंड इट. हम लोग बहुत अच्छे थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, भगवान के साथ में, भगवान के साथ लविंग रिलेशनशिप में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग थे. सडनली क्यों वो डिजायर आया, उसका पीछे कोई भी लॉजिक नहीं, उसका पीछे कोई कारण नहीं. कोई बोल सकता है वहां पे खाना नहीं मिल रहा था, कुछ कष्ट हुआ होगा, उसमें वहां पे कोई कष्ट है ही नहीं. एक तो कहावत है बंगाली में, सुखे थकते भूते खिलाए, अच्छा रहने के लोग बोलो तो अच्छा रहने का मतलब सहन नहीं होता है. तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अच्छा थे, लेकिन हम लोग सहन नहीं हुआ वो, तो ये पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस वहीं पे स्टार्टिंग. तो इसलिए गर्ल इज सेइंग दैट आई डू नॉट नो हु बिगॉटन मी, I cannot speak to you perfectly about this. I don't know where is the origin. So, अभी इस तरीके से वार्तालाप चल रहा है. My dear gentlemen, all these men and women, all these men and women who are with me are known as my friends. And the snake who are always remains awake protects this city during my sleeping hours. ये city को protect कर रहा है ये snake during when the when the polluted intelligence is sleeping. तो देखिए यहाँ पे जो servants था, उस लड़की का जो servant था, बहुत सारे 10 को main servants था, 11 को bodyguards था उस lady का. तो ये servants क्या represent करता है? तो polluted intelligence tries to enjoy this material world by sense objects. The servants of this woman represents the sense objects. मान लीजिए sense objects मतलब क्या है? किसी को खाना अच्छा लगता है, सोचिए किसी को चाय पीना बहुत अच्छा लगता है, तो एक जो स्पेसिफिक दुकान में बहुत अच्छा चाय बनता है, तो लोग 20-20 किलोमीटर मोटरसाइकिल में जाके उस चाय वाले का चाय पी के आता है. सोचिए the sense organ of the tongue is this chai, the tea. कोई बहुत अच्छा टेस्टी चाय बना दिया तो वो 20 किलोमीटर वो चल के जाएगा, उस चाय को पिएगा, फिर 20 किलोमीटर आएगा, ताकि कितना भी उसका पेट्रोल खर्च हो फिर भी वो करेगा. तो यहाँ पे सेंस ऑब्जेक्ट हो गया, वो उस चाय का दुकान का चाय सेंस ऑब्जेक्ट हो गया. तो इसी तरीके से हजार को सेंस ऑब्जेक्ट है, 5 तो सेंसेस है, लेकिन वो 5 तो सेंसेस का हर एक का हजार को सेंस ऑब्जेक्ट्स, एक तो नहीं. इसीलिए इस लड़की का भी बहुत सारे सर्वेंट्स था, हजारों हजार सर्वेंट्स था, कोई अंत नहीं था सर्वेंट्स का, क्योंकि द मटेरियल इंटेलिजेंस ट्राइज टू एंजॉय थ्रू सेंसेस, एंड द सेंसेस आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स. तो अभी क्या बोल रहे हैं, यू किलर ऑफ द एनिमी, यू हैव समहाउ और अदर कम हियर. This is certainly great fortune for me. I wish all auspicious things for you. You have a great desire to satisfy your senses, and all my friends and I shall try our best in all respects to fulfill your desires. देखिए polluted intelligence कैसे बात करता है. वो लड़की ये पुरंजन को क्या बोल रही है? ये आप बहुत अच्छा हुआ आप इधर आ गए. आपका इंद्रिय को satisfy करने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे, और हमारा जो servants है वो भी पूरा कोशिश करेंगे. So that is how this living entity, जो आत्मा है material world में आके इतना ज्यादा उसका enjoy करने का वो जो nature रहता है, unending desire रहता है उसमें. My dear Lord, I have just arranged this city of 9 gates for you so that you can have all kinds of sense gratification. इंद्रिय तर्पण का हर एक facility, मनुष्य शरीर में इंद्रिय तर्पण भी बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, कोई अंत नहीं है इंद्रिय तर्पण का, हजारों method है इंद्रिय तर्पण का. सोचिए कोई अंत नहीं है. आज कोई देख लीजिए, कोई अभी T20 मैच में बिजी है, इंडिया का खेल चल रहा है, T20 मैच में बिजी है,
वो भी एक तरीके का सेल्स ग्रेटिफिकेशन है। हाँ जो क्रिकेट देखेंगे, कहा अभी स्पिरिचुअल क्लास सुनने का कोई मतलब नहीं है, क्रिकेट देखते हैं बैठ बैठ के, वो भी एक सेल्स ग्रेटिफिकेशन है। हार जीत का सिलसिला इंडिया का चलता ही रहेगा, उसका कोई अंत नहीं है। आज भी चलेगा, 20 साल बाद 2040 में भी चलेगा। लेकिन क्या है, देखने में अच्छा लगता है। क्रिकेट का फील्ड में ऐसा ऐसा वो कैमरा ऐसे फिट करता है, ऐसा हाइप कर देता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये वो दीजा, ऐसा हाइप बना देता है ना, वो देखना ही है। वो बिना देखेंगे तो हमारा जिंदगी फेलियर हो जाएगा। ये है मेटेरियल एनर्जी, एंजॉय सेंस ऑब्जेक्ट्स, सेंस The sense objects of eye is this cricket match. Eye का sense object है cricket देखना। तो ये this is how it acts. लेकिन जितना भी sense desire है, sense gratificatory desires है, उसमें सबसे बड़ा sense gratificatory desire क्या है वो हम लोग देखेंगे। So अभी वो लड़की क्या बोल रही है? How can I expect to unite with others who are neither conversant about sex? Nor capable of knowing how to enjoy life while living or after death. Such foolish persons are like animals because they do not know the process of sense enjoyment in this life and after death. देखिए polluted intelligence किस तरीके से समझा रहा है पुरंजन को, soul को कैसे बुद्ध बना रहा है polluted intelligence। बोल रहा है कि sex छोड़ के इस दुनिया में कोई enjoyment करने का क्या है इस दुनिया में, इस तरीके से फंसा रहा है कैसे, इस तरीके से। The woman continued, in this material world, a householder's life brings all kinds of happiness in religion, economic development, sense gratification, and begetting children, sons, and grandsons. After that, one may desire liberation as well as material reputation. The householder can appreciate the results of sacrifices, which enable him to gain promotion to superior planetary systems. All this material happiness is practically unknown to the transcendentalist. ये सब स्पिरिचुअलिस्ट बुद्धू है, सब जानता ही नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में कितना हैप्पीनेस है, कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन में कितना आनंद मिलता है, जानता ही नहीं है ये सब। हरे कृष्णा वाले सोचता है कि कुछ 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 नहीं है, देखा ही नहीं है वो। ऐसा ये समझा रहा है मटेरियल इंटेलिजेंस, ऐसा समझाता है। ऐसा होता है कि ना प्रैक्टिकल लाइफ में इंटेलिजेंस हम लोग को ऐसा समझाता है, यार क्या होगा हरे कृष्णा करके, क्या ये लोग हरे कृष्ण करके टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम इधर पे कितना कितना एंजॉय करने का चीजें है दुनिया में, तुम देखा ही नहीं है उसको, बिना देखे तुम चले गए हरे कृष्ण करने, इतना यंग एज में तुम अपना लाइफ बर्बाद कर रहा है तुम। ऐसे इंटेलिजेंस समझाता है, माइंड ऐसे समझाता है हम लोग, माइंड सबसे बड़ा शत्रु है हम लोग का। तो वुमन कंटिन्यू, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज द हाउस होल्डर लाइफ इज प्लीज्ड Not only to oneself, but to all the forefathers, demigods, great sages, saintly persons, and everyone else. इसलिए material sense gratification का ये इसको बड़ा चढ़ा के बोल रही है और इस तरीके से समझा रही है। मैं और ज्यादा details verse में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मैं skip कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे ये woman is trying to entice this Puranjan into material enjoyment. अभी एक interesting verse आ रहा है, text number 45. Of the nine gates of that city, seven were on the surface and two were subterranean. A total of nine doors were constructed and these led to nine different places. All the gates were used by the city's governor. So, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि nine gates है, nine gates में सात तो surface में है और दो तो subterranean नीचे में है। तो सात तो gate क्या है शरीर का? ये दो कान हो गया, दो आंख हो गया, नाक में दो छेद हो गया, इसमें मुख में एक जो हो गया, टोटल सात, एक दो तीन चार पांच छह सात हो गया। सरफेस में ही सात जो है, किसी को देखने पर ही, फेस देखने पर ही वो सात जो होल्स दिखाई देगा उसको। लेकिन दो और है, एनस एंड रेक्टम। ये एनस और रेक्टम नीचे की तरफ है, इसलिए सबटेरेनियन बोला जाता है। नीचे की तरफ वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन किसी को मुंह देखने से सरफेस में वो दिख जाता है, नौ होल्स तो ऐसे दिख जाता है। इसलिए ये वर्स इस तरीके से बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। ये सिटी विद नाइन गेट्स रिप्रेजेंट्स द बॉडी। अभी देखिए यहाँ पे बॉडी का और डिस्क्रिप्शन दिया गया है। द टू गेट्स नेम्ड खदो खद्योता एंड अभीर मुखी वेर सिचुएटेड फेसिंग द ईस्टर्न साइड, बट दे वर कंस्ट्रक्टेड इन वन प्लेस। थ्रू दीज टू गेट्स द किंग यूज्ड टू गो इनटू द सिटी ऑफ विपराजिता accompanied by friend whose name was Dyumna। इस तरीके से ये जो nine gates है, इसका description दिया गया है।
तो उसमें उसमें मैं डिटेल्स पे नहीं जा रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी मैं बोल ही चुका हूँ. नाइन गेट्स रिप्रेजेंट द नाइन होल्स इन द बॉडी. इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ. यस, thus being entangled, thus being entangled in different types of mental concoction and engaged in fruitive activities, King Puranjan came completely under the control of material intelligence and was thus cheated. Indeed, he used to fulfill all the desire of his wife, the queen. एक तरीके का हस्बैंड होता है तो उसको बोला जाता है हेनपेक्ड हस्बैंड. जो मतलब वो वाइफ बोलेगा, एकदम वाइफ बोलेगा कि इधर खड़ा रहो, हाँ इधर एक घंटा खड़ा रहो, चुपचाप खड़ा रहो, वही खड़ा रहेगा, एक घंटा खड़ा रहेगा. जो वाइफ बोलेगा एकदम वही करेगा, एकदम कोई डिविएट नहीं करेगा उससे. इस टाइप का इसको बोला जाता है हेनपेक्ड हस्बैंड. तो पुरंजन पूरा एकदम हेनपेक्ड हस्बैंड बन गया. तो अभी देखिए क्या क्या एक्टिविटी करता था वो लोग. द क्वीन ड्रैंक लिकर, दारू पीता था क्वीन. किंग पुरंजन आल्सो एंगेज्ड इन ड्रिंकिंग. व्हेन द क्वीन डाइन, ही यूज्ड टू डाइन विद हर. व्हेन शी च्यूड, किंग पुरंजन यूज्ड टू च्यू अलोंग विद हर. व्हेन द क्वीन सैंग, ही आल्सो सैंग. सिमिलरली व्हेन द क्वीन क्राइड, ही आल्सो क्राइड. एंड व्हेन द क्वीन लाफ्ड, ही आल्सो लाफ्ड. जो मतलब वाइफ कर रहा है वही सब कर रहा है. When the queen talked loosely, he also talked loosely. And when the queen walked, the king also walked behind her. So, इस तरीके से इतना ज़्यादा मतलब पूरा पूरी follow करता था. So, this is the situation of King Puranjan. In this way, the material जो material world में जो conditioned soul है, जो आत्मा है, बुद्धि जो बोलता है वही करता है. बुद्धि अगर भ्रष्ट बुद्धि है, वो बोलेगा कि तुम पाप में जाओ, तो वो पाप में चला जाए. वो बोलेगा कि तुम गलत काम करो, तो वो गलत काम कर दे. जो बोलता है एज इट इज फॉलो कर देता है लिविंग एंटिटी. ये होता है सिचुएशन. और उसके बाद वो करने के बाद क्या होता है, चीटेड हो जाता है. करने के बाद वो देखता है कि अरे ये करने पर गलती हो गया, और उसके बाद पनिशमेंट मिलता है उसको. तो ये इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे. पुरंजन अभी पुरंजनी के साथ उसका जो वाइफ हो गया, उसको अभी शादी भी हो गया उस लड़की से पुरंजन का, तो अभी उसके वाइफ को पूरा फॉलो करने लगा. अभी देखिए क्या हुआ. एक दिन क्या हो गया. माय डियर किंग, वंस अपॉन ए टाइम किंग पुरंजन टूक ऑफ हिज ग्रेट बाउ एंड इक्विप्ड विद गोल्डन आर्मर एंड क्वीवर ऑफ अनलिमिटेड एरोज एंड अकॉम्पेनिड बाय 11 कमांडर्स सैट ऑन हिज चैरियट ड्रिवन बाय 5 स्विफ्ट हॉर्सेस एंड वेंट टू द फॉरेस्ट नेम्ड पंचप्रस्थ. तो एक दिन किंग पुरंजन, राजा पुरंजन क्या हुआ, वो जंगल में शिकार करने चला गया. जंगल में शिकार करने के लिए वो निकल गया. इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर किंग पुरंजन टू गिव अप द कंपनी ऑफ हिज क्वीन इवन फॉर ए मोमेंट. नॉनदलेस ऑन दैट डे बीइंग वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द डिजायर टू हंट, ही टूक अप हिज बाउ एंड एरो एंड विद ग्रेट प्राइड एंड वेंट टू द फॉरेस्ट नॉट केयरिंग फॉर हिज वाइफ. तो ये ऐसे तो उसका ऐसा स्थिति था कि उसका वाइफ के बिना तो रह ही नहीं पाता था, एक सेकंड भी नहीं रह पाता. लेकिन उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो चला गया हंटिंग करने. इसका परपट हम लोग थोड़ा देखेंगे, इसके परपट में क्या क्या हो गया उस दिन कि वो हंटिंग करने चला गया. इसको शेयर कर रहा हूं सेकंड. देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पर्पट दे रहा है श्रीमद भागवत. इसको समझना है, श्रीमद भागवतों को हम लोग को समझना है. वाइफ को एक मोमेंट के लिए भी छोड़ नहीं पा रहा, लेकिन उस दिन चला गया हंटिंग करने, वाइफ को छोड़ के चला गया. देखिए पर्पट में प्रभुपाद क्या लिख रहा है. आई थिंक यू आर एबल टू सी द पर्पट. नो प्रभु, इट इज गेटिंग लेट इन डिस्प्ले. नाउ इट इज आई थिंक डिस्प्ले. यस प्रभु, इट इज विजिबल. Yes. The one form of hunting. Hunting क्या मतलब? One form of hunting is known as woman hunting. A conditioned soul is never satisfied with one wife. वो देखिए क्या क्या दिया है प्रभुपाद जी. हाँ, ऐसा क्या हो गया, पहले तो बीवी को शादी करता है, बहुत अच्छा सेक्स करता है, लेकिन सडनली एक दिन बीवी को छोड़ के बीवी बोलता है कहाँ चला गया मेरा हस्बैंड. दूसरा लड़की के प्रति भी
अट्रैक्टेड हो जाता है, ऐसे ही नहीं भागा, ऐसे ही नहीं छोड़ के चला गया, उसको समझा बुझा के बोला कि ठीक है तुम रहो इधर पे, हम थोड़ा घूम के आते हैं। क्या हो गया कि भाई जिसके एक सेकंड में बिना उसके रह नहीं पाया, हाँ तो कि क्या हो गया कि छोड़ के दूसरे कहाँ पे चला गया वो दूसरे लड़की को ढूंढने। क्योंकि पहले पहले जब शादी होता है तब पहले 2-3 साल बहुत सेक्स एंजॉयमेंट करता है, उसके बाद फिर दूसरा लड़की को ढूंढने लगता है। A conditioned soul is never satisfied with one wife. Those whose senses are very much uncontrolled especially try to hunt for many women. King Puranjan's abandoning the company of his religiously married wife is representative of the conditioned soul's attempt to hunt for many women of sense gratification. Whenever a king goes, wherever a king goes, he is supposed to be accompanied by his queen. But when the king or the conditioned souls becomes greatly overpowered by the desire of sense gratification, he does not care for religious principles. तो ये जब आत्मा इतना captivated हो जाता है, इतना वो sense gratification के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जब पागल हो जाता है ना, वो irreligious activity कर बैठता है, वो समझ नहीं पाता है, गलत काम जो religion में नहीं है वो कर बैठता है, उसका इंटेलिजेंस काम नहीं करता है। तब आवर कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो वर्किंग ऑन टू वेज, द राइट वे एंड द रॉन्ग वे। व्हेन वन बिकम्स टू प्राउड ऑफ हिज पोजीशन, इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोड ऑफ पैशन, ही गिव्स अप द राइट पाथ एंड एक्सेप्ट्स द रॉन्ग वन। क्षत्रियो किंग्स आर समटाइम्स एडवाइज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू हंट फेरोशियस एनिमल्स जस्ट टू लर्न हाउ टू किल, प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है क्षत्रियो को हंटिंग करना, वो किलिंग प्रैक्टिस करने के लिए युद्ध में लगता है, बट सच फोरेज आर नेवर मीट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपने इंद्रिय तर्पण के लिए दूसरे को मार के खाएगा, इसलिए अगर वो करता है हंटिंग तो गलत बात है। किलिंग एनिमल्स टू ईट देयर फ्लेश इज फॉरबिडन फॉर ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज द इंजेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर। सो इन द नेक्स्ट, अभी इसका मीनिंग हुआ कि कैसे वो भाग गया एक दिन, इसका मीनिंग हम लोग को समझ में आया, अभी नेक्स्ट में हम लोग जा रहे हैं। Text 5. At that time, King Puranjan was very much influenced by demoniac propensities. Because of this, his heart became very hard and merciless. With sharp arrows, he killed many innocent animals in the forest, taking no consideration. वो जैसे जैसे एक लड़का, एक कोई शादीशुदा आदमी, जब उसका वाइफ को छोड़के, जब दूसरे का वाइफ को और दूसरे लड़की को हंटिंग करने लगता है, जब उसका वो सब भूल जाता है, भूल जाता है कि उसका बच्चा है, वो भूल जाता है उसका रिलीजियसली मतलब शादी किया हुआ वाइफ है, भूल जाता है कि उसका मम्मी पापा है, गलत काम में ऐसा वो लिप्त हो जाता है इस तरीके से। सो नारद मुनि कंटिन्यू टू स्पीक टू किंग प्राचीन परिषद, माय डियर किंग, एनी पर्सन वर्क्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स डज नॉट बिकम इन्वॉल्व्ड इन फ्रूटिव एक्टिविटीज। वैदिक स्क्रिप्चर्स के अनुसार अगर कोई काम करेगा ना, तो वो कभी फंसेगा नहीं, वो फ्रूटिव एक्टिविटीज कर्म का चक्कर में वो फंसेगा नहीं, धीरे धीरे उसका इंप्रूवमेंट होता रहेगा। लेकिन जब भी वो रिलीजियस प्रिंसिपल को ब्रेक करेगा ना, तभी वो फंसता चला जाएगा, ऐसा ही होता है, और ये रियलिटी है, वो कैन सी इन आवर लाइफ। बंधन बढ़ता जाता है। When King Puranjan was hunting in this way, many animals in the forest lost their lives with great pain, being pierced by the sharp arrowheads. Upon seeing these devastating, ghastly activities performed by the king, all the people who were merciful in nature, by nature, became very unhappy. Such merciful persons could not tolerate all this killing. So, देखिए इसका purport important है, इसको मैं share करता हूँ, 9 में, text number 9, 426-9. इसको पर्पट समझना है। When demoniac persons engage in animal killing, the demigods or devotees of the Lord are very much afflicted by this killing. जो देवता लोग हैं वो दुखी हो जाता है, और जो भक्त लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं। Demoniac civilization in this modern age maintain various types of slaughterhouse all over the world. Rascal swamis and yogis
encourage foolish persons to go on eating flesh and killing animals and at the same time continue their so-called meditation and mystical practices. बहुत सारा organizations है बोलता है कि तुम जो मन चाहे करो, मांस खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, जो करना है करो, सेक्स करो, बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन से दीक्षा ले लो। आ गया बाबू हमारा ऑर्गेनाइजेशन, आओ बाबू दीक्षा दे देते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी बन जाएगा, आते ही दीक्षा दे। हम आज को एक लड़का से बात हुआ, उसको वो एक ऑर्गेनाइजेशन में चला गया था, छोटा जब था तो कैसे वो बच्चा था, तब क्लास 5 में पढ़ता था, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके बोला कि दीक्षा दे दूंगा, और वो लोग देखा कि अच्छा मौका है, बच्चा भी है, दीक्षा देते दे देते हैं, वो दीक्षा दे दिया, और बच्चा है कुछ समझता नहीं है। दीक्षा मिलने के बाद बहुत कुछ करना पड़ता है, नियम है, चीजें है, लेकिन वो फिर बच्चा है, दीक्षा दे दिया और बस उसके बाद वो कुछ कर नहीं रहे। इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में कोई मतलब ये रियल प्रोसेस नहीं है, कुछ भी करते रहो, जो भी करो, एंजॉय अनलिमिटेडली एंड यू विल गेट कृष्णा, ऐसा थोड़े होता है। भगवान को पाने का इतना आसान है, वही मेटेरियल वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए कितना कठिन तपस्या करना पड़ता है उसको, और भगवान को ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में एकदम सहजिया, ऐसे इतना आसान नहीं है। हंटिंग वुमेन, ड्रिंकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकर, बिकमिंग इंटॉक्सिकेटेड, किलिंग एनिमल्स, एंजॉयिंग सेक्स, ऑल सर्व द बेसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यही मॉडर्न सिविलाइजेशन बन गया है। The Vaishnavas are unhappy to see such situation in the world, and therefore they are very busy spreading this Krishna consciousness movement, because this is the solution to all these ghastly problems of this material world that we are facing right now. Iska solution hai Bhagwan ka bhakti ka prachar karna, aur koi upay nahi hai. The devotees are pained to see hunting and killing of animals in the forest, like the slaughterhouses. So we are again coming back to that translations. So after this thing, Puranjana decorated his body with suitable ornaments. बहुत सारा hunting किया forest में जाके, बहुत सारा hunting किया Puranjan. हाँ, उसके बाद क्या हुआ? Hunting खत्म होने के बाद वो अपना शरीर को decorate कर. He also smeared scented and sandalwood pulp over his body and put on flower garlands. In this way, he became completely refreshed. After this, he began to search out his queen. अभी इसको समझना है, इसको समझना है अभी कि hunting complete होने के बाद ये जो scent मारना, हाँ scent को लगाना शरीर में, अच्छा से dress करना, इसका meaning क्या है? Hunting में गया, अपना wife को छोड़ के, queen को, पुरंजनी को छोड़ के hunting किया, बहुत गंदा तरीके से hunting किया sense gratification के लिए। उसके बाद अपना बॉडी क्यों डेकोरेट कर रहा है? Let us see this thing. What is the reason? Let us go into Prabhupada's purport. Then we will be able to understand. Text number 12. What is the meaning of it? Let us see. Purport. Now, anybody can read the purport? Hari Bol, yes, Prabhu. The devotees are pained to see the hunting and killing of animals in the forest. ये क्या पढ़ रहा है? Share किया मैं? Yes. When a man comes into the good consciousness, except a saintly person as a spiritual master, he hear many Vedic instructions in the form of philosophy, stories, narration about great devotee and transaction between the God and his devotee. In this way, a man become the refreshed in mind, exactly like a person who smears scented sandalwood pulp all over his body and decorated himself with the ornaments. These decoration may be compared to knowledge of religion and the self. Okay. So, ये क्या हुआ? पुरंजन वो गलत काम किया, लेकिन
बहुत बार होता है ना कि गलत काम कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन सडनली उसको याद आ गया, रिलीजियस प्रिंसिपल याद आ गया कि गलत हो गया, तो फिर से वो रोक देता है और पूरा फ्रेश हो जाता है एक तरीके से। नहीं, हम गलत काम गलत मार्ग में थे, श्रीमद भागवतों में नहीं बोल रहा, भगवद गीता ये करने के लिए मना कर रहा है, कुछ इधर उधर से सुन लेते हैं कभी भगवान का भक्ति के बारे में, भक्तों के मुख से कुछ सुन लेते, तो फिर वो उसको रोक देता है, गलत काम को कुछ देर के लिए रोक देता है और वो फ्रेश हो जाता है एक तरीके से, नया सिरे से शुरू करता है। तो अभी क्या हुआ देखते हैं, इसका मीनिंग ये है, जो फ्रेश हो जाना मतलब कोई पापी व्यक्ति भी कई कई बार भगवान का भक्तों का बात सुन के फिर कुछ देर के लिए पाप को छोड़ देता है, तो एक तरीके से फ्रेश हो जाना होता है, भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन मान लेता है, श्रीमद भागवतम का इंस्ट्रक्शन मान लेता है, तो ये मीनिंग है इसका। After that, King Puranjan was very anxious and he inquired from the household women, "My dear beautiful women, are you and your mistress all very happy like before or not?" So Puranjan, तो उसका wife को छोड़ के आया था, अभी wife को ढूंढ रहा है, तो wife कहाँ चला गया, wife कहाँ चला गया, बहुत ढूंढ रहा है, बहुत जगह पे ढूंढ रहा है wife को। तो पुरंजन क्या हुआ, पुरंजन saw his queen lying on the ground appearing like a mendicant, he immediately became bewildered। वाइफ को ढूंढ रहा है ना, कहां चला गया, वाइफ को छोड़ के आ गया है, फिर वाइफ को ढूंढते ढूंढते देखा कि वाइफ सोया हुआ है, और वाइफ को देख के वाइफ किस तरीके से सोया हुआ है, appearing like a mendicant, सन्यासिनी की तरह सोया हुआ है। He immediately became bewildered. इसका मतलब क्या है? Let us go into Prabhupada's purport, then you will be able to understand. Text number 18. देखिए श्रील प्रभुपाद के बिना सोचिए कैसे हम लोग समझ सकते हैं श्रीमद भागवतम। प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो हाँ। Yes. Anybody can? I am sharing this. The screen is shared right now. Prabhuji, purport of which text? 18 ka, 4:26:18. Achha. Yes, so, I think, Mohit Prabhu, can you read this one? Am I audible? Yes, Prabhu. In this verse, the word avadhutam is especially significant. For it refers to a mendicant who does not take care of his body. Since the queen was lying on the ground without bedding and proper dress, King Puranjana became very much aggrieved. In other words, he repented that he had neglected his imprisonment and had engaged himself in the forest in killing animals. In other words, when one's good intelligence is separated or neglected, he fully engages in sinful activity. Due to neglecting one's good intelligence or Krishna consciousness, one becomes bewildered and engages in sinful activities. Upon realizing this, a man becomes repentant. तो बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, बुद्धि को गलत तरीके से छोड़ छाड़ के और गलत दिशा में बुद्धि को लगाया, इसीलिए पुरंजन क्या हो रहा है, पुरंजन रिपेंट करता है। होरी होरी विफले जन्म गुआइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बुझ के भगवान का भक्ति ना करके विष पी लिया। पुरंजन ऐसे लैमेंट कर रहा है उसको वाइफ को देख के। लेट अस प्रोसीड फर्दर। बिकॉज द किंग वॉज वेरी एक्सपर्ट इन फ्लैटरी, वो राजा पुरंजन कैसा था, फ्लैटरी करने में बहुत एक्सपर्ट था। He began to pacify his queen very slowly. उसको नेगलेक्ट किया ना क्वीन को। He touched her two feet, देखिए फीट को टच कर लिया। Then embraced her nicely, sitting her on his lap and began to speak as follows. गोद में बैठा लिया और बात करता है। My dear beautiful wife, when a master accepts a servant as his own man, but does not punish him for his offenses, the servant must be considered unfortunate.
My dear slender maiden, when a master chastises his servants, the servant should accept this as great mercy. One who becomes angry must be very foolish not to know that such is the duty of his friend. My dear wife, your teeth are very beautiful set and your attractive features make me appear very thoughtful. Kindly give up your anger. Winka anger ko ghatane ka koshish kar raha hai. Be merciful upon me and please smile upon me and loving attachment. When I see a smile on your beautiful face and when I see your hair, which is as beautiful as the color blue, and see your raised nose and hear your sweet talk, you will become more beautiful to me and thus attract me and oblige me. You are my most respected mistress. Is tarike se usko wife ko mana raha hai, dekhiye. Oh, hero's wife, kindly tell me if someone has offended you. I'm prepared to give such a person punishment as long as he does not belong to the Brahmin caste. But for the servant of Murariku, Krishna, I excuse no one beyond these three worlds. No one can freely move after offending you, for I am prepared to punish him. इस तरीके से बोल रहा है, कोई आपको दुख दिया है तो उसको हम पनिशमेंट देंगे. तो ऐसे मना रहा है. Let us come to text 26, last text of this chapter. इसका purport में देखेंगे हम. My dear queen, due to my sinful desires, I went to the forest to hunt without asking you. Therefore, I must admit that I have offended you. Nonetheless, thinking of me as your most intimate subordinate, you should still be very much pleased with me. Actually, I am very, but being pierced by the arrow of Cupid, I am feeling lusty. But where is the beautiful woman who would give up her lusty husband and refuse to unite with him? It is the purport of this verse. Very significant purport. Nineteen.